आनंद लवे। मच्छी ने सागर का अंत पा के लेना भी की, सिख रस लवे आनंद लवे, महाराज के जीवन तो सिख लवे सेध लवे, असी अंत पा के लेना भी की। अंत नहीं बेअंत दा पाया जा सकता, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधन, असी नहीं अंत पा सकते बेअंत। गुरमुखो इस करके महाराज कहिंदे वेख ए नाल ही रहे ने, प्यार आले भी बड़े सन, अकिरत घन एहसान फरामोश, किते नू भुला देण वालियां दी भी अज दे समय च कमी नहीं। मैं सारे वीरां भैणां नू अर्ज करांगा, जिन्हें ने भी नगुरे बैठे गुरु वाले बनो, कलगीधर पिता दे स्कूल विच अपना नाम दर्ज कराओ, अमृत दी दात प्राप्त कर लो, जिथों मर्जी जिथे अमृत संचार हुंदा छक लो, सिंह सज प्रण करो कि जिंदगी च जरूर असी सिंह सजांगे। छे महीनों च तैयारी कर लो, साल तैयारी कर लो। कई बंदे सहजधारी सिख है जी, अच्छा किन्ने साल हो गए सहजधारी बने नूं? 20 साल। एक कादा सहजधारी है? सहजधारी दा मतलब यह हुंदा जिहड़ा सहजे सहजे अमृत छकण नूं तैयार हो रहा है। दाढ़ी वधाणी शुरू कर दित्ती है, केस रख ले ने, नशे छड़ दित्ते ने, हौली हौली नितनेम शुरू कर दित्ता है, सहजे सहजे गुरु वल आ रहा है, वह सहजधारी है जिहड़ा साल डेढ़ दो साल च आ जाए। जिहड़ा सारी जिंदगी सहजधारी बनिया रहे नहीं प्रमाण, सहजधारी। सिखां दे घरानियां च जे तुसीं जन्म लिया, तुसीं होर कोई श्रद्धा रखदा होर किसे धर्म दा, वह सहजधारी कह सकने असीं वी सहजधारी सिख। ए प्यार करदा सतगुरु नाल, पर सिखां दे घर विच जन्म लैके सहजधारी नहीं बनना, फिर ते अमृतधारी बनना है, फिर ते सिंह सजना है। धर्म सारे चंगे है, सर्व धर्म सत्कार योग ने, आपो अपने धर्मां च जुड़ना है। जेडे लोग धर्मां दे नां ते अपनियां दुकानां चला रहे ने पखंड दियां, चार क सिख इकट्ठे कर लै, हिंदू मुसलमान सारियां नूं ओह मिल गोबा जिहा बना के इकट्ठा, ओह इहो जिहा पखंडियां तों बचो, उहनां तों बचो, इहो जिहे लोकां तों। महाराज ने सुचेत रहिण दा हुक्म कीता ते सिंह सजणा। ते इक होर अर्ज करांगा, जरूरी जरूरी बेनती, जिन्हें अमृतधारी तुहाडे च बैठे आ, मैनूं खुशी है कि कई परमेश्वर द्वार साहिब साडे जांदे ने, संगत मैं वेखी है, सिमरन करन दा बणिया नूं सुभाअ, 5 मिंट 10 मिंट सवेरे उठ के वाहिगुरू 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 जपदे ने। जिन्हें अमृतधारी भैणां ने वीर बैठे ने, नितनेमी ते बनना ही है, बस सिमरन जरूर भजन जरूर होना चाहीदा जीवन विच। वेखो भाई ये गल पक्की है, ते तजर्बा करके भी तुसीं वेखो, सवेरे उठ के 10 मिंट चौंकड़ा मार के सिमरन करियो, केसी इनान कर लो, केसी इनान करके केस सुका लो, नहीं सुकदे इदां ही कपड़ा लैके अखां बंद करके बोल के ना वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। 10 मिंट लाओ, 10 मिनट, सारा दिन नशा चढ़िया जाएगा। तजर्बा करके प्रैक्टिकली एक हुंदा भी सुन ली गल ते निबड़ गया काम। 10 मिनट सवेरे लायो घड़ी वेख के, वध भावे ना लायो, सारा दिन तुहानू एक मस्ती चढ़ी रहेगी, 10 मिनट ही। ते मैनू खुशी है तुहाडे चो भी बैठे ने जिहड़े 10-10 घंटे लाउंदे ने रोज। जेड़े भजन करते होर वधाओ, होर तरक्की करो, पर जेड़े नहीं शुरू किया, यह ना हो कल घंटा बह जाए, अगले दिन तेरिया इनिया लत्तां दुखन भी बह ही ना सके, 10 मिनट ही बह, महीना बह 10 मिनट, एक महीना 10 मिनट, अगले महीने 5 मिनट वधाई, तीजे महीने जाके होर 5 मिनट वधाई, चौथे महीने 25 मिनट से चलिया जा, 6-5 महीनों अद्धे घंटे तक जाओ, साल च जाके एक घंटे तक कपड़ो, साल एक घंटे का सुभाव फिर बन जाता, महीने महीने बाद 5 मिनट वधाने चाहिए, फिर एक घंटा जेड़ा बंदा वाहिगुरु जप के आएगा, मैं कहना संगत विच लखां च बैठा वखरे ही चमकेगा, वे ने भजन करना। गुरमुखो नाम का रंग चढ़ना चाहिए, ये रंग जो चढ़ जाए बाकी दे सारे रंग फिके फिके लगते, कुछ भी बस आनंद खेड़े च रहो, तो है ही तो आनंद भया मेरी माए,
सतगुरु मैं पाया ना जो फिर आनंद आना है जिन्हें चिर पाया नहीं उन्हें चिर आनंद आया नहीं तो पाया ही उन्होंने जिन्होंने गाया है जिन्हां ने उहदे प्यार विच भिज के घंटा अद्धा घंटा 15 मिनट लाए जरूर बहण दा सुभाव मैं जरूर बेनती करांगा सारिआं नूं मेरी इह बार बार बेनती है हथ जोड़ के कि सिमरन दा सुभाव बनाओ जरूर 5 मिनट दा वेखो कोई फैसला लैणा ना तुसीं सिमरन दी गल ते करनी होई है जिहड़ा भी फैसला जिंदगी च लैणा उहदे वास्ते भी तुसीं 5 मिनट अखां बंद करके इक थां ते बैठो अंदर दी आवाज सुनो वो फैसले सही होने सिमरन ते करना ही भजन ते करना ही सारा दिन वेखो किन्ना आनंद एक जगह टिक के हाँ ये जरूर बेनती करांगा कि सिमरन करन वास्ते जगह एकांत जरूरी है रौले रप्पे विच तू बैठा फिर ओना मन नहीं जुड़दा भी जे कल्ला कमरे च बह सके ते बहुता वधिया नितनेम करो कल्ले करो ते बहुता आनंद परिवार सारा सुने ये भी ठीक है पर ज्यादा एकांत नू पसंद करदे ने महात्मा पहाड़ां विच देव भूमि लोक कहिंदे देवतियां दी भूमि क्यों लोग कंदरां च ऋषि मुनि पहाड़ां विच क्यों जांदे उहदा कारण इह सी वी उत्थे एकांत बहुत ही सी कोई रौला रप्पा नहीं कोई शोर शराबा नहीं हेमकुंट पर्वत है जहां सप्त श्रृंग सोबत है तहां तह हम अदकत पसिया साधी महाकाल काल का आराधी कलगीधर कहिंदे ने उत्थे हेमकुंट दी धरती ते असीं तप कीता पर्वतां ते जा जा के जिथे शांत माहौल हो जिन्ना हो सके यतन करो भी चौंकड़ा आसन थले लाया जावे पुंजे कंबल विछा लो दरी विछा लो बोरी विछा लो जिहो जिहा साधन कर चाहे उहो जिहा बह जाओ बस चौंकड़ा मार के हाथ जोड़ के अखां बंद करके वाहिगुरु 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 जपो खां चला बैठो चौंकड़े मार के अखां बंद कर वाह 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 प्यार नाल सारा हाथ जोड़ के हाथ गोद च रख हाथ गोद च रख के ते बिल्कुल सीधे होके वैसे ते मैं भी बेनती करांगा कि जेड़ा साडा शरीर है ना जदों तुसी कल्ले बैठोगे ना कल्ले कल्ले बैठो हां हुण वेखो आपां थल्ले वल पा लैने आ ना जेड़ा साडा शरीर है इहनूं सीधे होके नहीं आपां बैंदे समाधिस्थ होके सावधान होके पूरा कमर दा वल सीधा नहीं करदे वल पा के बहिने ना आपां नूं सौखा लगदा पर जदों चौंकड़ा मार के तुसीं आप कल्ले बैठोगे कमाल दी गल ए कि शरीर अपने आप सीधा हो जाए ए कमाल दी गल करना नहीं पैना भी मैं सीधा होवां नहीं जदों तुसीं कुंडी ला के आसन ते बहो सही भी मैं सिमरन करना चाहुंना ए शरीर अपने आप सीधा होके बैठे ਤੁਸੀਂ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਪਿਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਗੜੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੜੀਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਗੜੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ ਤੁਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਵਾਕਰ ਗੜੀਰੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਸਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ ਫਿਰ ਗੜੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਬੜੇ ਬੇਉਲਾਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪੋਤਰੇ ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤੇ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁੱਖ
तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूंड लुकई है,